और वहीं बाबा साकार हरि का साम्राज्य सिर्फ हाथरस नहीं था, बल्कि हाथरस के साथ ही बाबा साकार हरि ने अपना साम्राज्य को कई और जिलों तक फैलाया हुआ था। ऐसा ही एक आश्रम था कानपुर। मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, हाथरस और उसके आसपास के ये वो जिले हैं जहां बाबा साकार हरि को पुलिस तलाश रही है। देर रात मैनपुरी डीएसपी के साथ पुलिस की एक और टीम बाबा के मैनपुरी आश्रम पहुंची। एक घंटे तक छानबीन करने के बाद पुलिस आश्रम से निकल गई। मीडिया ने पुलिस से आश्रम में आने की वजह पूछी तो पुलिस के आला अधिकारी इसे सुरक्षा का मुद्दा बताकर चले गए। 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहां पर अभी भी हैं। महिला भी हैं, महिला पुरुष सब हैं अंदर, जितने भी लोग हैं वहां पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस बाबा के आश्रम, फंडिंग, बाबा के मददगारों की जाँच करेगी। दूसरी तरफ हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग बना दिया गया है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की घटना में साजिश की आशंका जाहिर करते हुए न्यायिक जांच का ऐलान किया। बाबा के कई आश्रम है, बाबा के इस साम्राज्य का एक कनेक्शन कानपुर से भी है। हाथरस कांड के बाबा का कानपुर में जो आश्रम है वहाँ जी न्यूज की टीम पहुंची। 3 बीघे में इस आश्रम को पूरी तरीके से बनाया गया है, चारों तरफ हरियाली है और 2 मंजिला इमारत बनाई गई। यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। फिलहाल हाथरस की घटना के बाद से जो यहाँ पे एक जीएम थे और एक कर्मचारी थे वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। और टीम ने जब आश्रम को लेकर पड़ताल की तो पता चला कि ये आश्रम तो सरकारी जमीन पर बना है। जमीन कुछ बन के रहे पाचे। बन विभाग की जमीन पर बना और कुछ जो है कानपुर के बिदनू के करसुई गांव के किनारे बाबा साकार विश्वहरि का यह आश्रम तैयार किया गया है। आश्रम के सामने बने रास्ते से ग्रामीणों को निकलने में आए दिन विवाद होता है। बाबा के भक्तों के भय से ग्रामीण कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं मैनपुरी में बाबा के बड़े रहस्य लोक यानी ठिकाने पर जी मीडिया की टीम सबसे पहले पहुंची। जी मीडिया पर तहखाना दिखाने के बाद बाबा के समर्थक भी वहां पहुंच गए और तहखाने का गेट बंद कर दिया। यहाँ पर ये दरवाजा है और इसको हम खोलने का प्रयास करते हैं। राम बालक जी अंदर आइए, आप देखिए ये तस्वीरें देखिए। आप इसके अंदर जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो ये बल्लियाँ रखी हुई हैं और ये बल्लियाँ इस काम के लिए कही जाती हैं कि जब कोई आयोजन हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सेवादार हैं। और देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये बाबा की प्रचार सामग्री को यहाँ पर संरक्षित करने का ये पूरा का पूरा, इसे हम तहखाना कह सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ बड़ा बड़ा आपको ये पोस्टर होल्डिंग ये सब दिखाई देगा। और जरा कमरे के अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ये कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर आपको ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसमें बंद कमरे यहाँ पर दिखाई देंगे। बाबा की मर्जी से ये कमरे खोले जाते हैं और ये देखिए लगातार ये कमरे हम दिखा रहे हैं, सब में ताले लगे हुए हैं। जो भी सेवादार हैं वो यहाँ पर आते हैं लेकिन इन सब में बाबा की मर्जी शामिल होती है।